बीच समंदर इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर एक बड़े मिशन को अंजाम तक पहुंचाया है। मार्कोस कमांडोज ने बीच समंदर हथियारों से लैस 35 सोमालियाई समुद्री डाकुओं को घुटनों पर ला दिया और इनके कब्जे से 17 लोगों को छुड़ा लिया है। नौसेना ने भारतीय तट से करीब 1400 समुद्री मील दूर इस ऑपरेशन में फतह हासिल की है। नेवी और एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन के कई फोटोज और वीडियोज भी शेयर किए हैं। इसमें मार्कोस कमांडो की जावाजी साफ साफ देखी जा सकती है। एक वीडियो में सोमालियाई डाकू भारतीय नौसेना पर गोलियां भी चलाता दिखता है। भारतीय नौसेना के कमांडोज उस जहाज तक पहुंचते हैं जिस पर डाकुओं ने कब्जा जमा लिया था और जहाज पर मौजूद सभी डाकुओं को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर देते हैं। नौसेना ने बताया कि एमवी रुएन को सोमालियाई समुद्री डाकुओं ने 14 दिसंबर को किडनैप कर लिया था। इसे शनिवार को एक अभियान में भारतीय तट से लगभग 2600 किलोमीटर दूर पूर्व में माल्टा के झंडे वाले एमवी रुएन को जब्त कर लिया गया। नौसेना ने करीब 40 घंटों के इस ऑपरेशन के दौरान आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सुभद्रा और सी गार्जियन ड्रोन को तैनात किया था। इसको सफल बनाने के लिए C-17 विमान से स्पेशल मार्कोस कमांडो को उतारा गया। नौसेना ने बताया कि आईएनएस कोलकाता ने बुधवार सुबह रुएन को रोका था, जिससे ड्रोन के जरिए सशस्त्र समुद्री डाकुओं की मौजूदगी की पुष्टि कर ली गई थी। आगे उन्होंने बताया कि डाकुओं ने ड्रोन को मार गिराया और भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद C-17 विमान से मार्कोस कमांडोज को उतारा गया, जिन्होंने जहाज को जब्त कर लिया और समुद्री डाकुओं को पकड़ लिया। साथ ही रुएन के चालक दल के 17 सदस्यों को रिहा कर लिया गया। 40 घंटों तक चले इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के लगातार दबाव और सुनियोजित कार्रवाई के कारण सोमालिया के सभी 35 समुद्री डाकुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। ऑपरेशन के बारे में बताते हुए नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा, ये सतत अभियान है, लंबे समय से ये चलता आ रहा है। साल 2008 से ही समुद्री डकैती विरोधी अभियानों से हम जुड़े रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ 3 या 4 महीने पहले अचानक फिर से समुद्री डकैती में बढ़ोतरी हुई है। तब से ही इस इलाके में हमने और ज्यादा जहाजें तैनात कर दिए। हम उन सभी संदिग्ध जहाजों की जांच कर रहे हैं जिन पर समुद्री डकैतों के हमले की आशंका होती है। समुद्री डकैती को रोकने के खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी है। इसी दौरान हमें पता चला कि समुद्री डाकू एमवी रुएन जहाज का इस्तेमाल अपने बेस की तरह करने लगे हैं। इसे देखते हुए हमने उस इलाके में कई जहाज तैनात कर दिए। नौसेना ने समुद्री डकैतों के जहाज को रोका। डकैतों के साथ उनका आमना सामना हुआ और उन्होंने डकैतों को आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार कर लिया और डकैतों ने आत्मसमर्पण कर दिया। जहाज पर 17 कर्मियों का दल मौजूद था, जिसमें 7 बुल्गारिया, 1 मंगोलिया के और 9 म्यांमार के नागरिक मौजूद थे। ये सभी लोग सुरक्षित हैं। अब जहाज को उसके अगले बंदरगाह पर वापस भेजा जा रहा है। बता दें कि नौसेना ने उत्तर और मध्य अरब सागर सहित महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए समुद्री सुरक्षा अभियानों के तहत वॉरशिप और निगरानी विमानों की तैनाती पहले ही बढ़ा दी है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।